क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग कर चुके थे अपना, जो हमने सिलेबस दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 से हम शुरुआत करेंगे। शेख, मेरा एक क्वेश्चन है, वो करेंगे क्या सॉल्व? जी फरमाए, पहले वही कर लेते हैं। एक वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो एक आदमी है जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनके ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स चार हैं और सिस्टर्स मेरे ख्याल से पांच हैं। फोर ब्रदर हैं और सिस्टर्स कितनी हैं? पांच हैं, फाइव ठीक है। और उनकी औलाद कितनी है? औलाद नहीं है, वाइफ है, वो हमल से है। अच्छा, अब डेथ किसकी हुई है? जो, जो, जिनके जिनके के ये ब्रदर्स है और उनके मदर है, उनकी मदर प्रेजेंट है। नहीं, डेथ किसकी हुई है? डिसीज पर्सन कौन है? मेल है, मेल। हस्बैंड की डेथ हुई है मतलब? हाँ, हस्बैंड की डेथ हुई है। अच्छा, एक मिनट। वाइफ मौजूद है जी, और प्रेगनेंसी चाइल्ड मौजूद है। और मरने वाले की माँ मौजूद है, मामूल वालिद साहब? नहीं, वालिद मौजूद नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये जो मसला है, इसके ऊपर मैं जी सेपरेट बुक में लिख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह तकरीबन लगेगी 8-9 महीने के बाद आएगी, लिख दिया है मैंने। अच्छा। वाइफ जो है हमेशा ZF है और हाँ मदर हमेशा ZF है। जी, तो यहाँ पे औलाद अभी कोई भी नहीं है, तो माँ का 1/3 होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। और हाँ ये जो चार ब्रदर हैं और ये पांच सिस्टर हैं, अगर औलाद ना भी पैदा हो तब भी आपके पास माँ का हिस्सा 1/6 तो है ही, ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि किसी भी तरह के दो या दो से ज़्यादा भाई बहन हो तो माँ का हिस्सा 1/3 से 1/6 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, माँ अब भाई बहन होने से 1/6 हो जाएंगे सीधा, का हिस्सा भाई बहन बढ़ता होने से भी। है, अगर अच्छा अच्छा औलाद अच्छा है तो ओके। 1/6, अगर औलाद ना हो और किसी भी तरह के भाई बहन हो तो 1/6 हो जाता है। अच्छा, अब औलाद भी नहीं हो और भाई बहन की कॉम्बिनेशन नहीं हो, और सिर्फ भाई होंगे अगर तो, या सिर्फ बहन होगी तो। हाँ, सिर्फ बहनें हों या सिर्फ भाई हों, दो या दो से ज्यादा, तो भी चाहे 1/6 हो जाएगा मम्मा का। वो रियल हो, मैटरनल हो या पैटरनल हो, माँ का हिस्सा 1/6 पे टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा और ठीक। असबा बी गैरी ही कहलाएंगे, इनको तब मिलेगा जब बचेगा, तो हाँ बहन और भाई को। लेकिन बहन भाई को तब मिलेगा जब वो मरने वाले की औलाद में फीमेल मौजूद हो। अगर मेल मौजूद हो गया तो इनको तो मिलेगा तो नहीं नहीं। मिल रहा। हाँ दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं कि सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो, डॉटर भी। ठीक है। तो ये जो सवाल है ये दो तरीके से कैलकुलेट होगा। इसको करने के लिए तकरीबन हमें ज़रूरत पड़ती है 1 घंटे की। दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये सवाल आपके सिलेबस में है लास्ट में, जब आप सारी अच्छा टेक्नोलॉजी सीख लेंगे इंशाल्लाह तो इसको करवाएंगे। दो तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम अजम्पशन ये कर लेंगे कि साहब मरने वाले की जो औलाद है वो सन है। अगर ये सन हो गया तो फिर तो ये असबा बी नफसी ही तो ये खुद बन गया। जब असबा बी नफसी ही बन गया तो हाँ, जो आर मिलेगा वो इसको मिलेगा, सन को मिल जाएगा सीधा। वाइफ को हाँ, जो मिलेगा वो 1/8 मिलेगा औलाद। 8, 1/8। जी अच्छा, और इसको जो आर मिलना था वो मिलेगा नहीं, इसका हाँ नॉन हाँ क्लियर हो जाएगा। तो एक केस तो बन हाँ रही है। इसमें तीन केस बनते हैं जब प्रेगनेंसी हो। सन। हाँ एक जी केस तो ये बनता है, दूसरा केस टू ये बनेगा कि वाइफ है, डॉटर है, ब्रदर है, फाइव सिस्टर है, और इस केस में ये ZF, ये असबा बी गैरी ही बनेगा,
और हाँ ये जेड एफ, चूंकि डॉटर जेड एफ होगी, अकेली होगी, तो और हाँ जो वाइफ है वो जेड एफ, तो वाइफ का हिस्सा 1/8 हो जाएगा, डॉटर अकेली हाँ होगी 1/2, चूंकि जर्नल ही हाँ स्कॉलर्स हाँ राय ये है कि जर्नली जो हमल है उसमें एक ही औलाद होती है, कुछ की चार हाँ है, कुछ की तीन की, बट जर्नल जो मेजोरिटी ऑफ द हाँ है वो एक ही औलाद लेते हैं उसमें। अच्छा, ओके। इनको मिलेगा आर, माँ का हो अच्छा, अगर जाएगा। अगर पहले से मालूम है, मान लीजिए ट्विंस है, तो सीधा 2/3 कर देंगे ना, टू। हाँ, जब ट्वीट तो उसमें फिर मल्टीपल केसेस इस तरह निकाले जाएंगे, तो जर्नली जो केस स्टडी होती है उसमें हम एक हमल से एक ही औलाद को लेते हैं, ठीक है ना। एक बार कंसीडर कर लिया, एक बार डॉटर कंसीडर कर लिया, और केस नंबर 3 में कंसीडर ये करते हैं कि वाइफ और जो प्रेगनेंसी किड है वो आपके पास माँ के पेट के अंदर ही उसकी डेथ हो चुकी है। तीन कंडीशन होती है, यानी डेथ इन वोम होना, ठीक है ना, पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये चार ब्रदर, पांच सिस्टर और मदर। तो इस केस में ये वाइफ तो जेड एफ है, लेकिन अब चूंकि औलाद नहीं है तो वाइफ का इसका कितना हो गया, 1/4 हो गया, प्रेगनेंसी के अंदर ही वो बच्चे की डेथ हो गई है जी, चाइल्ड उसकी डेथ हो चुकी है वोम के अंदर, यानी वो जिंदा पैदा नहीं हुआ, मुर्दा पैदा हुआ, एक में लड़की पैदा हुई एक में लड़का पैदा हुआ। तो अब जी यहाँ पर ये जो बने आपके पास, माँ का हिस्सा तो 1/6 ही रहेगा, चूंकि हाँ औलाद ना हो लेकिन किसी भी तरह के बहन हाँ एडजस्ट करते हैं, और हाँ कस्बा बी गैरी के अंदर इसको आर मिलेगा। तो इन तीन हाँ कंडीशंस में हम इस सवाल को कैलकुलेट करेंगे जी और देखेंगे, कैलकुलेट करने के बाद कि लोएस्ट जो शेयर है वो किस में आ रहा है। तो लोएस्ट शेयर को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी एक लोएस्ट शेयर किस में आ रहा है, मतलब सबको कितना, क्या क्या, कितना लोएस्ट जो मिल रहा है वो इसको हम लोग इसको तीन देखेंगे। तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस हालत में बीवी को कम मिल रहा है, किस हालत में चार भाइयों को कम मिल रहा है, किस हालत में मदर को कम मिल रहा है। तो जो जो कम कम मिलेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी लोएस्ट अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सेव कर लिया जाएगा आपके पास प्रेगनेंसी किड्स तो के शेयर को। अगर प्रेगनेंसी किड अगर लड़का पैदा होता है तो उसके अकॉर्डिंग बकाया तकसीम कर जाएगा, अगर लड़की पैदा होती है तो उसके अकॉर्डिंग बकाया तकसीम हो जाएगा, और अगर कोई पैदा नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग बकाया तकसीम कर दिया जाएगा। तीन अच्छा, तरीके से ओके ओके। ये सवाल हल किया जाता है, ये तकरीबन 10-12 पन्ने में सवाल हो जाता है फिर, क्योंकि इसमें जब हम करते हैं तो एवरी टाइम शेयर कॉमन नहीं आएगा, राइट, मल्टीपल शेयर्स अलग अलग हैं, इसमें अलग हैं, इसमें अलग हैं, इसमें अलग हैं, तो फिर हम जब ये अलग अलग आएगा, हो सकता है किसी में आपके पास फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, किसी में फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए 24 शेयर आ गए, किसी में समझने के लिए 27 शेयर आ गए, किसी में समझने के लिए 72 शेयर आ गए, बड़ा मसला हो गया कितने शेयर बनाए कितने नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एक साइट है एलशियम कैलकुलेटर के नाम से, उसमें क्या करेंगे, इन तीनों को वैल्यू को डाल देंगे तो वो इनका एक कॉमन नंबर दे देगा, कौन सा कॉमन नंबर आएगा जो तीनों से डिविजिबल है, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि 24 को इतने से मल्टीप्लाई किया जाए तो इतने शेयर बन गए, 27 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इतने शेयर बन गए, तो इनके शेयर की वैल्यू इस जो कॉमन नंबर आएगा उससे कैलकुलेट करेंगे, फिर इस जी तरीके से हल होगा। हाँ ये भी इंशाल्लाह मैं कराऊंगा, चिंता ना करें, पहले इसमें एक्सपर्ट हो जाने चल रहा है। हाँ बस एक इसमें ये समझना है, जैसे इसमें तो ये आगे का मैं सॉल्व कर लूंगा, बस इसमें एक ये चीज समझना है जो लोवेस्ट शेयर का है। तो जैसे ये है, अभी जैसे इसमें 1/6 तो मदर का फिक्स हो गया। अब भाई बहन को इसमें देखना होगा कि भाई बहन और वाइफ को कम कम मिलना चाहिए, बच्चे को ज्यादा मिलना चाहिए, जो जो वो वाला कैटेगरी, उसी के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले वाले केस में अगर हम देखते हैं और सन मानते हैं तो इनका तो जीरो, चार ब्रदर और फाइव सिस्टर का तो जीरो हो गया ना, अगर हम सन मानते हैं तो पहले वाले केस में, हाँ, सन मानते हैं तो ब्रदर और फाइव सिस्टर का भी कम का सबसे कम, मतलब फर्स्ट फर्स्ट केस में बाकी सबको कम मिलेगा, बाकी केसेस में जैसे थर्ड केसेस में बाकी लोगों को ज्यादा मिलेगा। तो अभी जैसे अगर मान लीजिए किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग को फर्स्ट केस को मान करके
बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नहीं नहीं उस फर्स्ट हिसाब कौन करनी है, तीनों ही को कैलकुलेट करना, जो किसी में कम आए किसी में ज्यादा आएगा, ये अब कैलकुलेट करने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि यहाँ से पता नहीं करेंगे आप, ये वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ से पता होगा ये, क्योंकि ये नंबर सबके अलग अलग आएंगे ना। नहीं यहाँ पे। लेकिन ये तो समझ में आ जाता है कि ये 1/6 और 1/8 में ज्यादा बड़ा क्या है। वो तो ऑब्वियस है कि मतलब जैसे यहाँ पे है हमारे पास 1/4 है वाइफ को केस 3 में, और केस 2 में और केस 1 में 1/8 है। तो ऑब्वियसली केस 1 ज्यादा मतलब सेफ है ना इसको देने के लिए। केस 3 तो ऑब्वियसली उसमें भाई को भी मिलेगा प्लस वाइफ को भी ज्यादा मिलेगा, मदर को तो फिक्स है सब में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना मिलेगा, हाउ मच, ये तो नहीं पता ना आपको जब तक आप ये वैल्यू नहीं निकालेंगे कॉमन वैल्यू। या तो ये तो दोनों में तीनों में 24-24 ही आ रहे होते तो ठीक था ना फिर तो, टोटल शेयर जो है अगर तीनों में बराबर ही आ रहे होते तो ठीक था ना, बराबर थोड़ी आएंगे सब में, सब में अलग अलग आएंगे ना, इसमें टोटल शेयर अलग आएंगे, इसमें टोटल शेयर अलग आएंगे, इसमें टोटल शेयर अलग आएंगे, हाँ तो जब अलग अलग आएंगे तो हाउ यू विल कैलकुलेट कि भाई कितना शेयर मैं किसको दूं, ये 1/8 शेयर थोड़ी है, ये तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है ना, कितने नंबर ऑफ देनी है वैल्यूज, वो तो यहाँ से नहीं निकलती ना, वो तो आपके पास ये निकल कर आती है ना बाद में हम निकालते हैं, ये वैल्यू कितनी देंगे कैसे पता लगेगा आपको, ये तो नहीं पता ना आपको, नहीं, जैसे 1/8 है ये तो फिक्स है ना सीधा प्रॉपर्टी का। 1/8 मतलब कि 12.5% हम सीधा दे सकते हैं वाइफ को, नहीं अब ऐसे मदर नहीं, को। नहीं नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें, जब तक आप इन तीनों का कॉमन नंबर नहीं निकालेंगे आप कैसे मान के चलेंगे कितना सेव करूं किसके लिए कितना ना करूं। कॉमन नंबर नहीं भी निकालने से, अगर जैसे 1/8 फिक्स है, अगर 1/8 है तो मान लीजिए 100 रुपये प्रॉपर्टी है, उसकी 1/8 तो हमको सीधा पता ना 12.5, और 1/6 जैसे हमको पता है कि उसको 100/6 कर देंगे तो वो परसेंटेज में भी तो पता चल जाएगा ना। हाँ परसेंटेज में दे सकते हैं, बट उसमें बेटर तरीका ये है कि अगर मैं सारा निकाल हाँ तो एक बार में निकल कर आ जाता है, फिर ये हेडेक नहीं होता कि भाई किसको कितना दिया किसको। मैं आपको क्या करूँगा, घर पे जो मैंने कॉपी लिखी है उसका एक हाँ सवाल का मैं स्नैपशॉट खींच के आपको भेज दूंगा ताकि एक तरीका पता लग जाए, ठीक हाँ है ना, ये क्योंकि जैसे अभी एक्चुअली ये केस असल में है किसी का, मेरे रिलेटिव का, तो हाँ उसमें मुझे बताना भी मतलब मैं चाहूँ, बहुत लोग पूछ रहे थे तो मैं सोचा कि इसमें आपसे पूछ लूँ। और इसमें क्योंकि मतलब वहाँ पे अभी वो लोग चाह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई मतलब दिक्कत, अभी वेट नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए मैं सोचा इसको पहले एक नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अगर ये कहें तो नहीं यही सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन अभी इसमें कि हॉच पॉच होगी वो आप देख लें, फिर मैं यही करवा देता हूँ। हाँ वो मतलब सॉल्व तो मैं कर लूंगा, मैं करके आपको एक बार भेज दूंगा कॉपी में, ये मुझे सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये मुझे समझना जैसे यहाँ पे, चलो ठीक है मैं एक बार सॉल्व करके आपको ना व्हाट्सएप में भेजता हूँ, तो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी इससे। तीनों कोई दिक्कत, केसेस में सॉल्व कर लेता हूँ और नोटबुक में आपको फोटो लेके भेजता हूँ। मैं ये इतनी लोग हैं जितने आपने लिखे, मैं इसकी सवाल इसको क्वेश्चन को स्नैपशॉट खींच लेता हूँ और आप जब भेजेंगे तो मैं देख लूंगा कि आपने क्या किया, और जो तरीका मेरा हाँ है हाँ आपको जो है जो मेरे सवाल हैं उसका क्या हाँ मैं हाँ लेता हूँ वो प्रोसीजर मैं आपको दे दूँ। उसमें क्या होता है एक टेबल फॉर्म हो जाती है, तो एक ही टेबल में सारी चीज़ें नजर आ जाती हैं, क्योंकि मेन मसला ये है कि हमें तो निकालना आता है हम तो समझ लेंगे, लेकिन दूसरे को जब हम देखते हैं तो दूसरे को ऐसा ना करेंगे भाई 2 × 2 कर दिया 4 हो गया, उसको भी समझ में आना चाहिए बेचारे को कि भाई आया हाँ क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेन मोटो ये है मेरा, अदरवाइज तो हाँ। सब। नहीं मैं वो उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं, हाँ जो एलसीएम निकाल करके करते हैं, उसी प्रोसेस से करके मैं एक बार भेजता हूँ, तो क्या होगा कि ये क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ये क्वेश्चन पूरा। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं, मैंने सवाल नोट कर लिया अपना, मैं आप जब भी आज रात में मैं भेज ये दूँ। पूछना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि अगर डिलीवरी तक रुक जाए तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करें तो बेटर प्रोसीजर तो यही है, वो तो बेस्ट है कि डिलीवरी तक रुक जाए, लेकिन लेकिन अगर अब रुक नहीं रहे तो फिर वैसा में वैसे केस में मसला ये है कि 8 महीने के बाद डिलीवरी होगी फिर आप क्या करेंगे, कोई कहता जी हमें तो चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, फिर चेंज करना पड़ेगा फिर। नहीं चेंज करना नहीं पड़ेगा, उसलिए मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये होता है कि हम तीनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे ऑन दी पेपर, जिस तरीके से जिस मेथड में केस 1 केस 2 केस 3 में 3 केसेस हैं, जिस केस में कम से कम अमाउंट जा रहा है वो अमाउंट हम देंगे किसको, हर एक शरर को, और एक अमाउंट सेव करके रखेंगे विलादत के लिए, जब बच्चा अगर मुर्दा पैदा होगा तो उसके अकॉर्डिंग रेस्ट ऑफ द डिलीवर हो जाए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी मेजर ऑफ द जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनर सेव करके रखा जाएगा किसी उसके बंदे के पास जो कि आपके पास
आपके पास अथॉरिटी हो जिसकी सारी बात मानते हो लोग, तो आपकी इसी तरीके से अगर लड़का पैदा होगा तो लड़के के अकॉर्डिंग, और लड़की पैदा होगी तो लड़की के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये मैं समझ में एक इसमें अंडरस्टैंड सोच समझना चाह रहा था कि जैसे मतलब बच्चे के लिए वो पैसा फिर मतलब जो बच्चे का शेयर ज्यादा होना चाहिए बाकी लोगों का शेयर कम होना चाहिए, वो केस हम लोग पिकअप करेंगे। बच्चे का शेयर कैसे होना चाहिए? बच्चा मुर्दा पैदा हो तो यार शेयर ज्यादा कैसे हो जाएगा? नहीं, तीनों केसेस में जिसमें बच्चे का शेयर ज्यादा है बाकी लोगों का कम है वो केस केस को हम लोग लेंगे ना, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे तो लड़की मिनिमम का भी सबको कम मिल, होता है फिर, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब मिनिमम जिसमें सबको कम कम मिले, तो नहीं किन नहीं सबको कम कम मिले वो हम क्या होगा, समझेंगे उन्हें फिर। जब आप सॉल्व करेंगे तो मल्टी, क्योंकि मैं काफी उनसे पढ़ा रहा हूँ कर रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, किसी को तो पहले केस में कम मिलेगा, किसी को हाँ केस में कम मिल रहा होगा, किसी को तीसरे केस में कम मिल रहा होगा, जी जी शेयरर को जहां से कम मिल रहा है वो देंगे। किसको कहाँ से कम मिल रहा है। मल्टीपल जो तीन केसेस, ये तो आपका एक केस है ना आपके पास, बट ऐसे केस आएंगे कि कभी क्या होता है, केस वन में ज्यादा मिलता है किसी, कम मिलता है किसी को, किसी शेयर केस टू में कम मिलता है, किसी शेयर केस थ्री में। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी सवाल में केस वन में चार ब्रदर और पांच सिस्टर को जीरो मिल रहा है हाँ अगर बेटा है, तो इसका मतलब वी आर गिविंग दी जीरो शेयर, दे रहे हैं ना, जीरो शेयर दे रहे हैं। जीरो शेयर दे रहे, राइट। में लिखेंगे आप, अनपढ़ आदमी को हम नहीं समझ समझा सकते, पढ़े लिखे आदमी को समझा सकते हैं कि वी आर गिविंग दिस मनी, केस नंबर वन। तो केस नंबर वन में इसका मतलब ये है कि तीनों केसेस अगर हम देखते हैं तो तीनों केस फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि चार भाई और पांच बहनों को कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगला पार्ट आता है, माँ को अगर हम देखते हैं तो माँ का जो शेयर है वो 1/6 है, इधर वन, इधर 1/6 है। अब ये 1/6 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग पैरामीटर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे आपसे कर ही देता हूँ आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका होता है उसी ऑर्डर में जाए तो फिर समझने में आता है, ऐसा नहीं होती है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा पहला वाला केस अगर आप लेते हैं, फर्स्ट केस में, फर्स्ट वाले केस में आप यहाँ वाइफ लिखेंगे पहले, ठीक, वाइफ लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, सन कंसीडर कर रहे हैं, तो सन, तो सन आपके पास क्या हो गया, असबाबी नफसी हो गया, तो जबल नहीं जी आ रहा, किसको लिखेंगे, माँ को लिखेंगे, सन औलाद है, वाइफ को 1/8 और माँ को 1/6, कितना आ गया, 24, आठ जी 24 और 6 × 24 कितना आ गया, 7/24। जी तो इसका मतलब पहले वाले केस में सन का जब हम निकालेंगे तो 1 माइनस कितना हो, 7/24, जी तो कितना आ गया, 24, जी और ये कितना आ गया, 24 - 7 कितना हो गया, 17/24। 17/24 जी मतलब अगर लड़का पैदा हुआ तो वाइफ का जो हिस्सा है, अब हम इसको सबको लेके चलेंगे यहाँ पे उसी ऑर्डर कि यहाँ पे वाइफ लिखा, यहाँ मदर लिखा, यहाँ सन लिखा, जी वाइफ का 1/8, मदर जी का 1/6, सन का जी 17/24, ये 24 आ जी गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 17 आ गया, तो ये 24/24 हो गई, पहली कंडीशन हो गई। अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं जी किया, अभी माना है लड़का पैदा होगा, अभी हम, ठीक अच्छा है ना, अभी तो बटा नहीं ना, नहीं, अभी तो बटा नहीं, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से पता लग गया, इस वाले कंडीशन से पता लग गया, यहाँ कंडीशन से पता लग गया कि माँ का, वाइफ के 3 हिस्से हैं, माँ के कितने हैं, 4 हैं, और सन अगर पैदा होगा तो 17 हिस्से। ये पहली केस खत्म, अभी दिया जी पहला केस हो गया, राइट। नाउ कम राइट सेकंड राइट केस, सेकंड केस ये कहता है कि वाइफ है प्लस डॉटर भी है ना, डॉटर तो ZF है और प्लस मदर है, वाइफ का 1/8, मदर, डॉटर का 1/2, जी मदर का 1/6, जी एलसीएम 24, 8 * 3 = 24, 12 * 2 = 24, 6 * 4 = 24, कितना हो गया, 12 * 4 = 16 और 3 = 19, जी 19/24। तो अब जो बचा वो किसको जाएगा, ब्रदर और फोर सिस्टर का। ब्रदर एंड फाइव सिस्टर का जो वैल्यू आएगा वो 1 - 19/24, यानी 5/24 आपके पास 24,
24 माइनस 19 यानी 5/24। अच्छा, इस केस में चार ब्रदर हैं, पांच सिस्टर हैं, तो चार ब्रदर का मतलब हो गया 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 तीन चार और ये पांच, कितना हो गया 2, 4, 6, 8 आठ और पांच कितना हो गया 13। पांच बहनों के पांच हिस्से, चार भाइयों के आठ हिस्से, तो 4, 2, 6, 8 और 5, 13। तो अगर आप एक ब्रदर का निकालते हैं, ईच ब्रदर का निकालते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/24 बचा हुआ हिस्सा तो यही है ना, ब्रदर का शेयर दो, जो दो और टोटल कितने 13 हिस्से। अब इस दो से इस 24 को काटिए 12 आ गया, अभी कितना हो गया 5/12 की गुणा 13 से कीजिए। तो मुंह जवानी करना तो आसान है, लेकिन जब हम ये करेंगे जाके तो पता ही चलेगा कि कुछ और रिजल्टेंट आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि 1/8 लिखा हो तो 1/8 आ जाएगा। एक मिनट रुके, अब 12 की गुणा आपने 13 से कर दी, ये कितना आ गया 156 आ गया। जब 156 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक सौ छप्पन ये हुआ किसका, एक ब्रदर का। अब एक सिस्टर का आप निकालेंगे, 5/24 मल्टीप्लाई बाय 1/13, तो 5/ इसका आप डबल कर दिए, 6 × 2 और 5 × 5 = 302 302 हो गया जी, 302 ज्यादा हो गया, 312 हो गया, नहीं हाँ वो 312 होगा, 312 हो गया। तो अब आप इनका निकालिए, दूसरे वाले का पूरा, तो दूसरे वाले का जब पूरा निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाइफ अभी सेकंड ही चल रहा है, प्लस डॉटर प्लस मदर अब प्लस ब्रदर 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 ब्रदर, ठीक है जी, उसके बाद चार सिस्टर, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सिस्टर, तो ये हो गया आपके पास 1/8 + 1/2 + 1/6 + 5/156 5/156 5/156 5/156 और उसके बाद जो है ये इधर आ जाएगा आपके पास 5/312 5/312 5/312 5/312 1, 2, 3, 4 और 5/312 तो 312 इसका एलसीएम आ जाना चाहिए और 8 से कट भी जाना चाहिए। तो मैं अपने फोन में चेक कर लेता हूँ, बार बार निकालना पड़ेगा। 312 को 8 से काटा जा सकता है, 39 आ गया। 312 को 2 से काटा जा सकता है, 156 आ गया। 312 को 6 से काटा जा सकता है, 52 आ गया। अब 156 दुनी हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 1 × 10 2 × 10 3 × 10 4 × 10, ठीक है जी, और 5 + 5 + 5 + 5 + 5 अब जोड़ ली सारी चीजों को, 39 + 156 + 52 + 10 जो है 4 बार है तो ये हो गया 40, और उसके बाद 5 जो है कितनी बार है, 25 हो जाएगा, 5 5 बार है, तो कितना हो गया 25, तो 39 + 156 + 52 + 40 + 25 गलत हो गया कुछ, एक मिनट में कैलकुलेटर कर लेता हूँ, चेक करो कुछ गलत हो गया, 39 नीचे 300 500 ये गलत हो रहा है कुछ,
नौ सही हो रहा है, 300, 304 तो 39 सही है, 39 तो ठीक है, फिर है 156 भी सही है, फिर है 1/6 है ना, तो 52 × 6 बावन हो गया, ठीक तो है, 9, 156, ठीक तो है, ये भी 156 × 2 तो 5 × 2 = 2 ठीक तो है, बाकी 25, ठीक है, सही आ गया, सही है, सब सही सही है, है। तो सारे 312 सही है। / 312 हो गया। आप इस केस में फिर ये लिखेंगे दूसरे वाले केस में कि साहब यहाँ पे मदर को कितना जा रहा है, 39, सॉरी वाइफ को कितना जा रहा है, 39, वाइफ को 39 है, मदर को, तो डॉटर, यहाँ पे डॉटर है, डॉटर को कितना है, 156 है, फिर मदर को कितना है, 52 है, ब्रदर को कितना है, हर एक ब्रदर को 10 है, और हर एक सिस्टर को कितना है, 5 है। ये दूसरा केस हो गया। अब आप फिर तीसरा केस निकालिए, मैं दूसरा वाला तो एक और लेता हूँ, रुक जाइए। एक मिनट, एपिक पेन आ रहा है, दूसरा तो ये तो पहले केसेस में निकला, अब ये केस बचता हमारे पास, ये वाला दूसरा वाला। वाइफ, 4 ब्रदर और मदर, यहाँ पे आपके पास दूसरा पेन खोल लेते हैं हम। तीसरा जो केस है आपके पास, केस 3 ये है, ये वाइफ है जो प्रेगनेंसी किड है, उसकी डेथ हो चुकी है, 4 ब्रदर हैं, 5 सिस्टर हैं और मदर है। अब इस केस में वाइफ का कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि औलाद डेथ को पैदा हुई है, माँ को कितना, 1/6, जी तो वाइफ प्लस मदर, वाइफ 1/4, मदर का 1/6, कितना हो गया, 12, चौक 12 और 6 × 12, कितना हो गया, 5/12, आर बचा तो 7/12 बचा। वो भाई बहन में बटेगा। अब यहाँ पे जो आपके पास ब्रदर है, उस ब्रदर का 7/12 बचा (2), और कितने हिस्से करने पड़ रहे हैं पीछे, 13, ठीक है ना, 2 से इसको काट दीजिए, 6 को, तो 7 बटे कितना हो गया, 13 × 6 हो गया, 13 × 6 हो गया, 78 हो गए। ये एक लड़के का हो गया, और एक सिस्टर, उसका ब्रदर का और एक सिस्टर का हो गया, 7/12 बचा हुआ माल, और 1/13, तो 12 की गुणा जो है 13 से कर दी गई, तो ये 100 वही आ गया जो था पहले, 156 ही आ गया, ये 7/12 कितना आ गया, 156 आ गया। अब इन सबको आप वो कैलकुलेट कर लीजिए एक साथ, तो एक साथ अगर हम करते हैं तो वाइफ प्लस मदर प्लस ब्रदर प्लस ब्रदर प्लस ब्रदर प्लस ब्रदर प्लस सिस्टर प्लस सिस्टर प्लस सिस्टर प्लस सिस्टर, तो ये माँ का 1/4, वाइफ का 1/6, सॉरी वाइफ का 1/4, माँ का 1/6, हर एक ब्रदर का 7/78, 7/78, और ये 7/78, और ये 7/78, ठीक है जी। अब सिस्टर का 7/156, 7/156, 7/156, 7/156, 1, 2, 3, 4 और 7/156, तो 156 इसका एलसीएम आ जाएगा, जी
अब 4 से 156 को अगर हम काटते हैं तो ये 39 आ जाता है। जी अगर 6 को हम काटते हैं, 6 से अगर हम काटते हैं 156 को, 20 आ जाता है। और अगर हम 78 से काटते हैं तो 2 आ जाता है, दो 7 दो 14 14 हो गया, 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 4 बार, और 5 बार होंगे 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, कैलकुलेट कर लीजिए, 39 प्लस 26 प्लस 14 चौका 56 हो गए 4 बार, और 7 पंजे 35 हो गए, बाहर कोई एक मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 156 हो गया। जी अब आप देखिए तीनों केस आपके सामने, अब तीनों केस आप रखेंगे, जी आप रखेंगे केस वन, तो आप खुद देखेंगे वहां से आप कर ही नहीं सकते थे इस काम को, जो किसी में कुछ वैल्यू आ रही है किसी में आ रही है, अब कैसे देंगे किसी को, है केस थर्ड। अब केस जो थर्ड है पहले उसको लिख लिए, केस थर्ड में वाइफ का कितना है, केस थर्ड में वाइफ का कितना है, 39, मदर का कितना है 26, ब्रदर का कितना है 14, 14, 14, 14, और सिस्टर का कितना है 7, 7, 7, 7, 7, ठीक है जी। मैं लेकर आता हूँ दूसरा वाला केस, वहां से उठा के दूसरा केस में क्या था वो वैल्यू, ये थी आपके पास वाइफ का 3। अच्छा इसको मैं फोटो खींच लूँ क्योंकि ऐसे जा नहीं पाएगा वहां पे, नोट करने में ऐसा नहीं है। केस वन में जो अभी स्नैपशॉट खींचा है मैंने, केस वन, केस वन में जो वाइफ का है वो कितना आ रहा है 3 शेयर केस वन के अंदर, ये केस थर्ड था जो हमने किया था। केस वन में वाइफ का 3 है, मदर का कितना है 4 है, सन का कितना है 17 है, और ब्रदर का कितना है, ब्रदर का 0 है, सारे ब्रदर से कितना है 0 है, 0 0 0 0, सारी सिस्टर का कितना है 1 2 3 4 5 0। केस टू में जी जाते हैं, केस टू में हमने कैलकुलेट किया था वाइफ का कितना है 39, जी डॉटर का कितना है 156, मदर का कितना है 52, हर एक ब्रदर का कितना है 10 10 10 10, हर एक सिस्टर का कितना है 5 5 5 5, 5 5 5 5 5। अब इस केस में जो सबकी जो वैल्यू आ रही है एलसीएम की वो अलग अलग आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 24, 24 है, तीन यहाँ पे कितनी है 312, सौ बारह वहाँ 156, है 156 है यहाँ तक केस थ्री में। 156। अब आप मुझे बताओ कैसे दोगे किसी को, नहीं दे सकते ना, कैसे दोगे, सब गड़बड़ हो गया। नहीं अब क्या नहीं तो करें, इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सब में सबको एलसीएम ले सकते हैं ना हाँ बता रहा हूँ, सब। वही बता रहा हूँ तरीका। अब क्या करेंगे, 24 312 156, तो आपको माशाल्लाह निकालना आता शौक है, अदरवाइज तो ये लोग ही खोपड़ी में नहीं जाता कि आप बत पढ़ा करें तो सब भाग जाए, हाँ तो इसलिए हम इसको लास्ट में रखते हैं जाके। ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, मैथमेटिक्स ठीक होगा तो इनशाला ठीक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एलसीएम कैलकुलेटर,
तीन वैल्यूज आई हैं हमारे पास, 24, 312, 156, 24, 312, 156, 312 ही होगा मेरे ख्याल से इसका एलसीएम। हाँ देख ले, देख लेना तीन जरूर, सौ बारह डिवाइडेड बाय 24 यहाँ पे डाल दीजिए। हाँ तीन हो रहा है, तीनों से बट रहा है ना ये, इसीलिए। सौ बारह 156, कभी कभी तो बड़ी बड़ी फिगर आएंगी, 6,000 8,000, क्या करेगा आदमी, कुछ कर ही नहीं पाएगा हाँ कैलकुलेट। हाँ अब 312 इसका एलसीएम आ गया। हाँ अब 312 एलसीएम आ गया तो अब अपने अब क्या ट्रिक खेलना है कि 24x13 हो रहा है। कितने से गुणा करें 24 को कि 312 आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने, बता रहा हूँ एक मिनट रुके, 24 की गुणा कितने से करवा रहे हैं आप, 13 से। 13 से 13 312 सबको। से जब करवा रहे हैं तो अपने क्या करना पड़ेगा, हर एक को 13 से मल्टीप्लाई करें। जी। ये तो सारा जीरो हो ही गया। अब 13 तीन हाँ कितना हो गया, 39, 39 और 13 चौका कितना हो गया, 52, 52 यस जी। और 17 की गुणा कर दिया आपने 13 से, ये हो गया 221। जी ठीक है, अब इसको जोड़ के देख लें कि साहब गलत तो नहीं हो गया, 39, 52 और 221, 312 आ गया। तो रेड कलर में जी कितना आ गया, इसकी गुणा 13 से कर दी गई, ये 312 आ गया। अब ये 312 ये बराबर, ये इसके बराबर हो गया। जी बिल्कुल। अब ये 156 वाले को किससे करेंगे, 2 से गुणा दो करेंगे, से जी हाँ का मतलब 39 की गुणा 2 से कितना हो गया, 78 हो गया। इसकी गुणा 2 से 26 गुणा 2, 52 हो गया, 14 दुनी 28, तो ये भी जी। 28, ये भी 28, ये भी 28, ये 28, और ये हो गया 7 दुनी 14, भाई 14 जी 14, 14, 14, और ये 14 हो गया, और ये 14 हो गया। अब इन सबको जोड़ लिए कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि 58, सॉरी 78, 52 और 28 है, 28 एक बार, दो बार, तीन बार, 28x4 हो गए सीधी। अच्छा अब 14 पंजे हो गए, 17 है, 24 14 एक सौ पंजे, नहीं बारह प्लस 312 ये भी 14x5 70 हो गया, ठीक है जी, ये भी 312 हो गया। हाँ अब आप इस केस में देखिए कि कौन से केस में सबसे कम जा रहा है, जो जी। एग्जिस्ट करते हैं अभी, एग्जिस्ट कौन कौन करता है, एग्जिस्ट कौन कौन अभी करता वाइफ है, मदर है और है, अभी केवल वाइफ ब्रदर सिस्टर। करती है और मदर मदर एग्जिस्ट करती है, और ब्रदर और सिस्टर चार ब्रदर और 5 सिस्टर, अभी सिर्फ ये हाँ करते हैं। हाँ अभी प्रेग्नेंसी किट का तो पता नहीं, आएगा, जिंदा होगा, मरेगा, क्या होगा, है जी, हाँ जी ये डेथ वाली कंडीशन है, 30 वाली डेथ वाली कंडीशन है, ये डॉटर वाली कंडीशन है, ये सन वाली कंडीशन है, राइट। माँ को आप देखें कम से कम कौन से पार्ट में मिल रहा है, माँ को मिल रहा है फर्स्ट पहले केस में या दूसरे, और सेकंड दोनों में। तो हम तीसरा वाला दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। हाँ और जी वहां अगर हम देखते हैं तो वहां पे सब जगह 1/6 ही है ना आपके पास, तो हाँ आप मुझे जी बताओ आप कैसे देते, फिर नहीं दे पाते ना उस केस। नहीं वाइफ को, वो तो माँ को सब जगह 1/6 है, वाइफ को तो 1/8 और 1/4 है ना। माँ को सब 1/6 है, बट आप शेयर देख रहे हैं अलग हो गए, यहाँ पे 78 हो गया, ये वाइफ का है 78 है इसमें केस टू में, यानी कि 1/8, और इधर केस वन और टू में 1/4 है ना 39। तो माँ का भी तो देखे हैं, माँ का कितना है यहाँ पे, 52 है, माँ हाँ माँ का तीनों में सेम होगा ना, का माँ का तीन, तीनों में 52 होगा। तो माँ को कितने दे देंगे, 52, नहीं ये वाइफ का 39 देंगे, सबसे पहले वाइफ है ऊपर, फर्स्ट वाला वाइफ है पहला थर्टी नाइन वाला वाइफ को कितना दे दिया हमने, 39, जी ठीक है ना, तो वाइफ को हमने 39 पे कर दिया, ठीक है ना, दोनों में जी से फर्स्ट लोएस्ट है तो हम हाईएस्ट आपके, हाँ ठीक है ना। तो अब माँ को कितना जाना है आपके पास, मदर का 52, मदर का 52, मदर का 52, तो मदर का ऐसा नहीं है कि हर बार सेम ही आएगा, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है ना, ये तो आपके सवाल के जी अकॉर्डिंग आ रहा है। हाँ ये सवाल में माँ का सेम है। 52, ब्रदर और सिस्टर का कम से कम कितना है, जीरो,
और जीरो, तो आपने कितना बांटा, 39 और 50, आपने बांटा 39 प्लस 52, आपने 51 शेयर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए बस, बाकी जो है वो माइनस रखा है, और उसमें से 312 में से माइनस 91 कर दिया आपने, 221 शेयर आपने क्या करने रखना है, सेव करके रखना है जी। अब आप ये देखें कि अगर लड़का पैदा हुआ पहले वाले केस में, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखें सब कुछ क्लियर है, अगर लड़का पैदा हुआ पहले वाले केस में तो 221 चले गए ना, बात खत्म हो गई जी। अगर मान लो 221 रखे थे और सनी पैदा हुआ, हाँ तो मुझे माँ को, वाइफ को देना है ना, कुछ मदर को देना है, उठा के सारा सनी को देना है, क्लियर है जी। और अगर पैदा होती है लड़की, माँ का तो साहब 39 ही रहेगा, वाइफ का 39 ही रहेगा, माँ का रहेगा, डॉटर को चले जाएंगे कितने, 156 जी, डॉटर को 156 चले जाएंगे, बाकी उसको चले जाएंगे ठीक है ना, 200 आप अगर यहाँ पे देखते हैं इन चारों के कितने हो गए, 40 कितने हो गए, 25 तो यहाँ पे 40 प्लस 25 ये चलेगा इसको जी, और प्लस अगर जोड़ दें 156 तो कितना हो गया, 200 हो गए जी। तो अगर लड़की पैदा होती है तो लड़की को 156 जाएंगे और हर एक भाई को 10 और हर एक बहन को 5-5 जाएंगे जी। लेकिन अगर का ना लड़की कुछ पैदा नहीं हुआ तो वाइफ जो माँ है, माँ का शेयर तो वही रहेगा। अब वाइफ को कितने जाने चाहिए, 78 39 और चले जाएंगे वाइफ को, चूंकि डबल हो जाएगा 1/2 जी जी ठीक है ना, और तो बचेगा आपके पास यानी 221 में से आपने 39 हटा दिए, अच्छा ठीक है, 221 में से 39 वाइफ को डाल दिया, यानी इसमें एडिशन कर दिया आपने, इस केस में यहाँ पे एडिशन कर दिया कितना, 39 और इसको केवल, ठीक है ना, माँ का 52 ही है। अब इनको अगर हम जाते हैं 221 में से 39 घटाते हैं तो 182 बचते हैं, तो इनको जोड़ें तो ये 182 बन जाएगा जी जी। 28 की गुणा 4 से कर दीजिए, 14×5=70 कर दीजिए तो ये आपके पास इधर पहुंच जाएगा जी, ठीक है ना, 14 प्लस 14 प्लस 14 3 बार 4 बार और 5 बार 14 और प्लस 28 2 बार 28 3 बार 28 और ये 4 बार 28 जी, 182 ये बच रहा जी, तो 182 और प्लस कितना 39, 221 हो गया, बात समझ में आ गई जी। तो ये आपको तो समझ में आ गया लेकिन अगले वाले को जो बताओगे तो उसके दिमाग में नहीं जाएगा, उसको तो पूरा लिख के देना पड़ेगा, That's why इसको करने के लिए उसमें पूरा इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा परसेंटेज में भी करने से थोड़ा सा सिंपल और होता। हाँ ये इस केस के लिए ऐसे जनरली बाकी केस में तो परसेंटेज में जैसे काफी थोड़ा इजी। देखिए हमें तो निकालना आता है, हम तो निकाल लेंगे लेकिन जो बंदा है उसको कैसे समझाओगे अब जाके परसेंटेज, लेकिन ज्यादा लोग आसानी से समझते हैं शेयर्स के बनिस्बत। अब ये जो वाला पार्ट है भाई, पढ़े लिखे तो समझ लेंगे लेकिन गांव का देहात भी नहीं समझ सकता। हाँ वो बात तो है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ इसी लैंग्वेज में समझता है कि भाई प्रॉपर्टी है उसके 21 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े बीवी के हो गए, 5 मेरे हो गए, 6 उसके हो गए, उसको ये समझ में आता है, उसको तो परसेंटेज आती नहीं ना बेचारे को। इसलिए काउंटिंग नंबर जो ऊपर वाले ने रखा है ना कि इतने दिन होने चाहिए, महीने में इतने दिन होने चाहिए, साल में इतने महीने होने चाहिए, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए तो फ्रैक्शन ठीक है, वो क्या नाम है, मैं परसेंटेज से निकाल लेगा वो, लेकिन बाकी लोग नहीं निकाल सकते परसेंटेज से, इसलिए परसेंटेज में थोड़ा सा डेसिमल में वैल्यू आ जाता है तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है। बोलोगे भाई 0.125 12.5 तो उसके समझ में तो नहीं आएगा, वो तो ये कहेगा भाई 1/8 का मतलब कितने हिस्से हो गए मेरे। आज एक केस यहाँ पे आया दिल्ली में, पूछा मेरे से, समझ में आ गया आप लोगों को, आज के लिए इतनी सवाल काफी है आपका ये। हाँ माशाल्लाह ये काफी अच्छा सवाल था, क्लियर हो गया इसको मैं। अच्छा एक